गर्मी का असर इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश पर जमकर बरसे। उन्होंने तंग कसते हुए कह दिया कि अखिलेश का जनाधार जो है समाप्त हो चुका है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश की मानसिकता तक पर सवाल खड़ा कर दिया है। तो लगातार पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जो है सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े करते दिख रहे हैं, व्यवस्था पर सवाल खड़े करते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी नेता प्रतिपक्ष को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं नजर आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर दावा कर दिया है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का जनाधार जो है समाप्त हो चुका है और जनता अब जरा भी समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं करती। देखिए, समाजवादी पार्टी कुछ भी कर ले, उनका जनाधार समाप्त हो चुका है। अपराधियों को जिस ढंग से अपने शासनकाल में सपा ने पुष्पित पल्लवित पूर्व में करके रखा है, प्रदेश की जनता इनकी कलई जान चुकी है। पर्दे के पीछे इनकी मानसिकता क्या है समझ चुकी है। इनको प्रदेश की जनता ने बुरी तरह से किनारे लगा दिया है। कोई भी कवायद इनके काम नहीं आएगी, क्योंकि अपराधी जो आज तक तांडव प्रदेश में किए हैं वो इनके ही राजपाट में पुष्पित पल्लवित होते रहे हैं। भ्रष्टाचार आकंठ डूबी हुई सरकारें समाजवादी पार्टी की रही हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने में आदरणीय मोदी जी सफल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल को लेकर के जन जन तक पहुँच रही है। महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। घर घर के साथ साथ बड़ी बड़ी जनसभाएं भी हो रही हैं और प्रदेश की जनता, देश की जनता लगातार माननीय मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। गठबंधन को लेकर जो चर्चा चल रही है पूरे देश में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी गठबंधन कर ले, क्योंकि 14 से लेकर 22 तक 4 चुनाव प्रदेश की और देश की जनता देख चुकी है। कई गठबंधन हुए, कोई गठबंधन सफल नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन करके देख लिया है, समाजवादी पार्टी ने बसपा से गठबंधन करके देख लिया है और 2022 में कई छोटे दलों से भी गठबंधन करके देख लिया है। गठबंधन की राजनीति बुरी तरह से फेल।